कंपाउंड कैसे बनते हैं? याद रखना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कौन देता है? मेटल देता है। कौन लेता है? नॉन मेटल लेता है, ठीक है ना। तो मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएंगे और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज बनाएंगे, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, तो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रिटल होते हैं और पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? इनके हाई रहते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इंटर आयनिक अट्रैक्शन के फोर्सेस ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे लेकिन कौन से स्टेट में? या तो सोल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में, या तो सोल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में। आई बात समझ में? आगे जाएं, नेक्स्ट। कोरोजन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो मेटल का सरफेस रहता है वो टार्निश हो जाता है या खराब हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब सुनो, कोरोजन तुम लोग को आयरन का देख के रखा है। आयरन प्लस ऑक्सीजन Fe2O3.XH2 बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट। और ये रस्ट कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो की कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। सिल्वर की बात करें Ag की, तो ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर के लिए, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्साइड जो और Ag2S बनाता है, जो कि कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। एल्यूमिनियम का जो कोरोजन होता है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर रहती है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर रहती है, ये इसको फर्दर कोरोजन से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोब्लेडिंग क्या होती है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थिन लेयर लगा देना। आ रही बात समझ में? ठीक है। और इसमें दो मेटल्स लगते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लगता है, दो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं और बैटरी लगती है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा? लेयर ऑफ जिंक से हम लोग क्या कर देंगे? कोट कर देंगे। जिंक की प्लेट गिर भी जाएगी तो भी वो उसको क्या करती है? ऑक्सीडाइज कर देती है, जिस वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता। पेंटिंग और वीविंग तुम लोगों को पता है। मेटलर्जी क्या होता है? वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो किसके साथ डील करती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल रॉक्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें एक गिवन एलिमेंट मिलता है। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं जिसमें से वो मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सकता है। गैंग क्या होती है? फिजिकल इम्प्योरिटी होती है, जैसे कि डर्ट, डस्ट या फिर अर्थ पार्टिकल्स। जब हम लोग किसकी बात करते हैं? जब हम लोग मेटलर्जी की बात करते हैं तो मेटलर्जी में हम लोग को क्या करना रहता है? ओर रहती, सबसे पहले ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे कैसे? हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ब्लीचिंग। फिर उस ओर को जिसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर, ठीक है ना। ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, ठीक है ना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगर एग्जाम में आता है कि ओर को हमको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन आसान होता है।
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल. इसके लिए हमारे पास तीन तरह के मेटल्स होते हैं, एक लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एक मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और एक हाई. जो लो रहते हैं वो कैसे रिड्यूस होंगे, हीट से. जो मिडिल में रहते हैं वो किससे, जिंक और कार्बन से या फिर एल्यूमिनियम से, कौन, आयरन और मैंगनीज. और जो हाई इन द रिएक्टिविटी रहते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं. ये जो पूरी चीज है ये क्या है, तुम्हारा फ्लो चार्ट है किसका, मेटलर्जी का. अब आते हैं मेटलर्जी प्रॉपर्टी, ठीक है ना. सुनो, कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग एन ओर एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग एन ओर एंड अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन. कैल्सिनेशन किसके लिए किया जाता है, कार्बोनेट ओर्स. रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स. कैल्सिनेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. रोस्टिंग के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो होता है मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना. एग्जाम्पल दिया है जिंक कार्बोनेट का, आप कैल्सिनेशन करोगे तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और आप जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फाइड का करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे तो तुम्हारा ZnO प्लस SO2 आएगा. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिडक्शन देखेंगे. रिडक्शन में सबसे पहले हमें देखिए मर्क्यूरी की ओर, जो कि क्या है, सिनेबार. इसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे फ्लोथ रोटेशन से, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे रोस्टिंग से, और रिडक्शन करेंगे हीट से. तो जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, Hg+O2. कॉपर की जो ओर होती है Cu2S, वो होती है कॉपर ग्लैंड. इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे फ्लोथ रोटेशन से, है ना, कन्वर्ट करोगे ऑक्साइड में रोस्टिंग से, और रिडक्शन करोगे किससे, हीट से. तो Cu2S plus O2 would give you Cu2O plus SO2. इसी मिक्सचर को और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, Cu मिल जाएगा. और हो जाता है मेटल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हमें कार्बन और एल्यूमिनियम देख रहे हैं. कार्बन जो है, जिंक ऑक्साइड जो है, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक और CO. लेड ऑक्साइड को भी कार्बन के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा लेड प्लस CO, ठीक है. एल्यूमिनियम का किसके साथ देखेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि MnO2 प्लस Al वुड गिव मी Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट. सिमिलरली Fe2O3 प्लस Al वुड गिव मी Fe प्लस Al2O3. ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट इतनी ज्यादा होती है कि आयरन जो रहता है वो मेल्टेड फॉर्म में आता है. और ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में यूज होती है, ठीक है. इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन. ये इम्पोर्टेंट है, आने वाला है. लास्ट चीज बचती है क्या तुम्हारी, चलो खैर छोड़ो, रिफाइनिंग पे आ जाओ. रिफाइनिंग जब हम लोग करेंगे तो थिन स्ट्रिप लेंगे किसकी, कैथोड की, कॉपर प्योर की. इम्प्योर कॉपर का थिक स्लैब लेंगे जिसको हम लोग एनोड बनाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर का ही एक सॉल्ट लेंगे जैसे कि CuSO4, ठीक है ना. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर सल्फेट जो है नवल, वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन से ब्रेक हो जाएगा. ये कॉपर आयन जो सोल्यूशन में रहेंगे, ये सोल्यूशन से कहाँ जाएंगे, कैथोड पे. कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर बनके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. क्लियर. एनोड पे क्या होगा, जो कॉपर है वो कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में चला जाएगा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में, और एनोड पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. ऐसे ऐसे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो कैथोड था, जो एनोड था जो मोटा था वो क्या हो जाएगा, पतला. और जो कैथोड था जो पतला था वो क्या हो जाएगा, मोटा, क्योंकि कॉपर जो है डिपॉजिट होता जाएगा. इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी नहीं. ओर्स कॉपर का याद रखना, मर्क्यूरी का याद रखना, बस.
बोलो कोई परेशानी? ठीक है, अब सुनो, इस चैप्टर में इसके अलावा और तुम्हें क्या क्या पढ़ना है सुनो। एक्वारीजिया लिख लो कॉपी में। एक्वारीजिया क्या होता है? 3:1 रेशियो में फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन होता है जो नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है। क्लियर? सेकंड, जब हम लोग कोरोजन की बात कर रहे थे तो मर्क्यूरी के जितने भी अलॉय होते हैं सबको अमैलगम कहते हैं। मर्क्यूरी के जितने भी अलॉय होते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं? अमैलगम। आई बात समझ में? सोल्डर, SOLDER, सोल्डर किसका अलॉय होता है? टिन और लेड का। सोल्डर किसका अलॉय होता है? टिन और लेड का। कॉपर के दो अलॉय होते हैं, एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रॉन्ज। एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रॉन्ज। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का बना हुआ रहता है, और जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का बना हुआ होता है। स्टील जो होता है वो आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन प्लस कॉपर प्लस निकल प्लस क्रोमियम। आई बात समझ में? आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल, आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कॉपर कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम इज योर स्टेनलेस स्टील। आ रही है बात समझ में? बोलो कोई परेशानी? आगे जाए? ठीक है, सुनो सुनो, अलॉय कैसे बनता है? तो हम लोग बोलते हैं अलॉय में हम लोग एक प्राइमरी मेटल को क्या करते हैं? मेल्ट कर देते हैं, और जो मेटल उसमें ऐड करना रहता है उसको मेल्ट करके क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, ताकि हमको उसकी डिजायरेबल क्वालिटीज मिल जाए। कॉपर के जो अलॉय रहते हैं वो उसकी कंडक्टिविटी से रिलेटेड रहते हैं। आ रही है बात समझ में? एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग किसी आर्टिकल पे क्या करते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से एनोडाइज करके, या इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है यहाँ पे क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे प्रोड्यूस होता है और एल्युमिनियम के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन एनोड पे प्रोड्यूस होता है और एल्युमिनियम के साथ मिलकर क्या बना रहता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। एनोडाइजिंग में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी नहीं? विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।